हेलो गाइस, मैं हूं बालाजी। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। यहां पे देखिए, आज मेरे गाड़ी को लगेज वैन बना दिया हूं। देखिए पीछे में पलंग वगैरह को लेके जा रहा हूं, मेरे बहन के घर लेके जा रहा हूं, उनके ससुराल के घर। देखिए पलंग, उसका चारों पैर वगैरह सब डाल दिया हूं इसी में। अब निकलते हैं, 1:45 हो गया। इसके बाद सबसे पहले कभी भी आप निकलिएगा तो इंजन वगैरह देख लीजिएगा बोनेट निकाल के। ये रहा अब इंजन वगैरह देखने के लिए आ गए हैं। एक बार बोनेट उठा के बेल्ट वगैरह देख लीजिएगा एक बार, कूलेंट, ब्रेक आयल, ऐसी सिमिलर चीज़ें देख लीजिएगा, और इंजन आयल। इंजन आयल तो मेन है। अब इसको देखिए, हमारे गाड़ी का लगेज वैन बना दिए हैं। देखिए पलंग वगैरह रख दिया हूँ, और नीचे में उसका बीच वाला पार्ट, पीछे का थोड़ा विजिबिलिटी कम होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50-60 किलोमीटर तो जाएंगे। अरे पीछे से देखिए इसका हाल कैसे दिख रहा है, कोई हंसेगा इसी गाड़ी में रख के जा रहे हैं। मतलब मैं तो आपको बताना ही भूल गया, एक बार क्या किए थे ना, स्कूटी इस गाड़ी में छोड़ करके चले गए थे। स्कूटी मतलब छोटा मोटा थोड़ी ना है, उसको रख के 600 किलोमीटर गए, छत्तीसगढ़ गए थे बिलासपुर, जहाँ से करीब 600-700 किलोमीटर पड़ता है। सभी सीट लोग के बीच वाला सीट को भी पूरा सुला दिया था बेड की तरह, उसके बाद स्कूटी वगैरह। आपका गाड़ी लगेज वैन बन गया। देखिए खटिया वगैरह पूरा डाल दिए हैं। आपका गाड़ी इतना मजबूत है कि सब कुछ धो लेगा लगेज वगैरह, इसलिए तो भैया लिए रहे भैया, ऐसा गाड़ी हर काम के लिए काम आएगा। अरे एक बार स्कूटी डाल के चला गया था ना, स्कूटी डाल दिया, सब ढो लिया, इतना सामान है, घरेलू सामान पूरा ढो दिया। अच्छा गाड़ी की मजबूती अपने गाड़ी के हिसाब से, लगेज के लिए भी, टैक्सी के लिए भी। मम्मी अभी कितना स्पीड से जा रहा है, कैसे पता लग गया? पहाड़ वगैरह अच्छा लग रहा है ना, ये पलंग वगैरह किसको देगी? पलंग कहाँ, अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश नहीं, पलासा ले जाना करते तो हमारे यहाँ पहाड़ सब साइड चले गए। पहुँच गए हैं वो, थोड़ी दूर बचे और ये 2 किलोमीटर तो खराब रहता है ना, गड्ढा गड्ढा। घर के पास पहुंच गया हूँ, ये रहा इन लोग तो सीता देवी का मंदिर जा रहे हैं। ये रहा साइड में जो घर दिख रहे हैं वही है, इन सब वहाँ पे रखते हैं इनका सामान वगैरह। ये क्या कर रहे हो, खाना खा लिए? क्या कर रहे हो? अब वापस भी निकल गए हैं, निकलते निकलते तो 5:30-6 हो गया। फाइनली 1.5 घंटा में पहुंच ही जाएंगे। मेरे को गांव पहुंचते पहुंचते 7:15 हो गया है, देखिए टाइम आपको दिख रहा होगा। फाइनली 1.5 घंटा हम लोग को लगा है। गाइस मेरे घर आते आते 7:30 हो गया, अराउंड 7:20 हुआ है, 7:30 सोच लो। और मेरा किलोमीटर भी 1,80,000 के पास में है। रहा है फाइनली घर पहुंच गया हूँ, मम्मी पापा आगे चले गए गेट निकालने के लिए गए। अब मैं गाड़ी को चढ़ा रहा हूँ,
एक बार गाड़ी घर आने के बाद कहीं भी कितना भी आने के बाद एक बार ये रहा एक्सीलेटर को राइज कर लीजिएगा। ये रहा देखिए, ऐसी करने के बाद बंद करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।